हाय गाइज, वेलकम बैक टू अर न्यू व्लॉग। और हमारी आज की गुड मॉर्निंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। वैसे तो दो बार गुड मॉर्निंग हुई है हमारी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। 4 बजे से एक इंसान ने परेशान करके रख दिया। 4 बजे से नहीं किया मैंने, तुझे 5 बजे उठाया था। 4 बजे मैं उठ गई थी पहले। 4 बजे तूने मुझे उठाया, फिर मैंने तेरे को बोला कि कुछ नहीं हो सकता। नहीं, वो 4 नहीं, वो 5 बजे था। अच्छा, 5 बजे उठाया गया तूने मेरे को। ये देखो, अभी बताता हूँ क्या हुआ है। रात को मतलब सुबह 5 बजे उठी ये और मुझे जगाया। राइट शोल्डर पे मेरे दर्द हो रहा है। मैंने कहा क्यों दर्द हो रहा है? बोले मुझे लगा कि एक्सरसाइज कर रही थी इसलिए थोड़ा सा दर्द हो रहा होगा, नॉर्मल दर्द होगा। बोलो नहीं यार, बहुत तेज हो रहा है। मैंने कहा सो जा चुपचाप, कुछ भी नहीं है। नहीं, इसे मुझे पता क्या बोला। मैंने बोला यार सुनो, मुझे दर्द हो रहा है। अब तो कुछ नहीं हो सकता, सो जा। अरे मेरे दर्द हो रहा है बहुत तेज। अरे तो मैंने समझा कि नॉर्मल एक जिम वाला पेन होता है ना, जब एक्सरसाइज करते हैं फर्स्ट टाइम और फिर एक दो दिन पेन रहता है, वो वाला पेन होगा। मैंने कहा सो जा, हो जाता है तो नॉर्मल है, इसमें क्या दिक्कत है। फिर ये बोली ठीक है। 15 ही मिनट बाद फिर से आई वापस। सूरज मेरे तो सहन नहीं हो रहा, सूरज दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा क्या हो गया इसको यार, वो चिल्लाने लग गई और फिर बेड पे बैठी और रोने लग गई। मेरे अपने आप दर्द से आंसू आ रहे, मतलब ऐसा दर्द। मेरे एक बार अपेंडिक्स के ऑपरेशन के टाइम हुआ था जब मेरे आंसू आए थे, और एक अभी हुआ है। मतलब इतना तेज कभी ऐसा दर्द नहीं होता कि जो सहन नहीं किया जाए ऐसा। और हमें समझ नहीं आ रहा कि मतलब इतना पेन कैसे हो सकता है किसी के। सोते सोते पेन उठने लग गया, कोई चोट लगी होती है, कुछ हुआ होता तब तो समझ में भी आता। सो रही थी, सोते सोते एकदम से दर्द होने लग गया। मुझे तो खुद को भी नहीं समझ में आया। हाँ, पहले दवाई लगाई, बहुत अच्छी ट्यूब ला रखी है हमने पेन की, वो लगाई। मैंने कहा ठीक है ठीक। लगाई थी मैंने खुद, लगाई क्योंकि सब सो रहे थे। हाँ, मैंने खुद लगाई थी। अच्छा, मैंने पहले मैंने उठा के दी थी इसको, ये लगा। एक बार इसने लगाई, फिर एक बार मीकुड़ी ने मिक्स करके, दो ट्यूब थी वो मिक्स करके फिर लगाई। फिर इसका आइस से सेक करा, आइस से सेक करा और इसका 1% दर्द ठीक नहीं हो रहा। फिर हर्ष गया फटाफट से पेन किलर लेने के लिए। काफी दूर से पेन किलर लाए, क्योंकि सुबह सुबह सारी मेडिकल शॉप्स बंद होती है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 5-7 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल गया, वहाँ से पेन किलर लेकर आया। पेन किलर दी, हम देखे चलो अब ठीक हो जाएगा, फिर भी बंद नहीं हुआ, कुछ भी फर्क। अरे यार, मतलब करे तो करे क्या। फिर मैंने हॉस्पिटल सर्च करे, दर्द में मतलब इतना एक होता है ना अनबियरेबल पेन जिसको कहते हैं, इतना इसको बेचैनी जैसी हो रही थी और अजीब सा पेन हो रहा था। हमें हंसी भी आ रही थी और उठा, फिर मीकुड़ी उठ गई, फिर हमें देख कर हर्ष भी उठ के आ गया। फिर जब ये और तेज चिल्लाने लगी ना, तो फिर वो कालू भी उठ के आ गया। हर्ष पता क्या बोलता है, इसको कुछ सुनाई वनाई नहीं देता कि कैसे पड़ी है कंबल में बिल्कुल पैक। आ गई, आज ही जा रही है वैक्सीनेशन के लिए। फाइनली इसको स्लॉट बुक हो गया, तो आज ही जा रही है वैक्सीनेशन के लिए। हाँ, तेरी बुराई कर रहे थे, बुरा सब घर वाले उठ के बैठे थे। हमारे घर में चोरी हो गई और घर वाले सो रहे हैं, वो बता रहे थे। इसको पता है कैसे पागल बनाया कि मकड़ी काट गई। क्या हो गया इसको, तो बोलता है ऑपरेशन। ये तो क्या घर से आया ना, तो बोलता है इसके इधर क्या हो गया। बोले ऑपरेशन हो गया, ये मान भी रहा है, और इसको बोला मकड़ी काट गई ये भी मान रही है। पागल है, सब पागल है। तो पेन ही इतना ज्यादा होता है ना, सबने यकीन कर लिया। पर आज कोई काम नहीं होएगा मेरे से। वैसे भी नहीं होता तेरे से, चुपचाप बैठ जा दो दिन से। इतना किसी काम की नहीं है ना, कि जिम गई मैं और आई, उसके बाद में हम लोग 2 मिनट भी नहीं बैठे। मतलब सीधा रात को सोए, रात में भी कितनी देर सो पाते हैं। उसके बाद में फिर अगले दिन, मतलब कि कल भी हम लोग जल्दी उठ गए थे क्योंकि काम था बहुत सारा, पूरे दिन काम में लग रहे थे। और फिर उसके बाद में जब सोई तो मैं एक करवट, ये थोड़ा बहुत मसल पेन हो ही रहा था जिम की वजह से, वो एक करवट सो गई तो वो पूरा स्प्रेन हो गया। स्प्रेन स्ट्रेन क्या बोलते हैं, मैंने बोला था ना इसकी, उसकी वजह से वैसे ऐसे ऐसे कर रही थी। अरे हाँ ना, तो क्या हो गया। इसका भी इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही है कि तूने मुझसे पुलअप्स, तूने मुझसे एक्सरसाइज करवाई। मैं बताऊं, मैं अच्छा पहले बताते हैं ये ठीक कैसे हुई। फिर यहाँ से हम लेकर गए हमारे पास, फिर हमारे को एकदम से हिट किया कि सर के पास लेके चलते हैं। हमारे कराटे वाले सर हैं, वो 25-30 साल से सब चीज़ें करते आ रहे। हमारे कराटे में तो बहुत कराटे में तो बहुत चोट लगती है बच्चों के, तो उनको अच्छे से आता है कैसे ठीक करनी चीज़ें। और उन्होंने मेरे, मैं ही जानती हूँ उन्होंने कैसे कैसे करके सही किया इसको। हाँ, मतलब किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सर ने धीरे 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 करते करते, मतलब सर ने और मैम ने दोनों ने 1 घंटा बिल्कुल जिसको कहते हैं ना सेवा जिसकी करते हैं वैसी की है मेरी, तब जाके ये सही हुआ है। वरना जैसे डॉक्टर इलाज करते हैं ना, वैसे इसका इलाज चल रहा था 1 घंटे तक। डॉक्टर बिल्कुल डॉक्टर है, सब कुछ है सर, सब कुछ कर लेते हैं। मतलब इसका दर्द ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन सिर्फ सर ने जैसे तैसे ठीक कर दिया। और उस टाइम हम सो गए थे। हाँ, ये तो वहाँ पे सो गए कूलर में।
पहले मेरा तो वहां हो रहा, मैं बैठी बैठी दर्द में मर रही हूँ, दोनों के दोनों सो रहे थे साथ में, हम दोनों सो रहे, दोनों सो गए कूलर में और मस्त सो रहे, ये तो खराटे मार रहा, उधर वो हर्ष सो रहा, मैंने कहा क्या करूं। और मैं ना मतलब ऐसा हो रहा कि फिर ये भी सो गई थी, हाँ, नहीं मेरे को तो सर ने बोला था सोने के लिए, सर ने जैसे तैसे इसको किया, मैम ने मेरे प्रेशर पॉइंट्स बांधे, दोनों के दोनों सर मेरे यहाँ से कर रहे हैं, मैम मेरे प्रेशर पॉइंट्स पकड़ रही है, ऐसे करके जैसे तैसे उन्होंने मेरे को सुलाया। 15 मिनट की नींद के बाद मुझे लगा भाई अब ये ठीक हुआ है, मैंने कहा उठो दोनों के दोनों, उठो, उठे नहीं रहे, इसके सर के ऊपर अलार्म बजा रहे सर की, उठ जा उठ जा उठ जा, नहीं उठ रही। तो जैसे तैसे उन लोगों को उठाया और हम घर पर आए। ये थी आज की कहानी, आज की सुबह सुबह की कहानी, आज की सुबह सुबह की कहानी बाकी है। बेसिकली ना इसके सर ने देसी इलाज से ठीक कराया, अभी कुछ पत्ता, एक पेड़ का पत्ता, वो सर ने नाम नहीं बताया था, मैं भूल गई, उससे ना उसके लगा रखा है जिससे वो दर्द खींचता, दर्द खींचते हैं वो, तो मतलब उसी से हो जाता है। पुराने देसी नुस्खे उससे वो करवे, क्योंकि सर को बहुत सारी चीजें आती हैं। मेरे ना मेरे बचपन से यही चीज है, अगर मुझे कुछ भी हो जाता है ना तो हमेशा मेरे घर के नुस्खे से, घर के काढ़े वाढ़े यही सब काम आते हैं मेरे, और कुछ भी काम नहीं आता, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। पहले बता दी थी बेचारा हर्ष इतनी दूर गया था दवाई लेने के लिए। अरे मुझे लगा यार पेन किलर्स तो काम हमेशा ही करती है, पेन किलर जैसे तो हर्ष किसी पे काम करती है, वो भी काम नहीं कर रहा, डिफेक्टिव पीस है ये, बहुत डर गई। पता है आज क्या हुआ, सर ने मेरे को ना ब्रश करनी थी, सर बोले दूध पी, मैंने कहा सर मैं बिना ब्रश करे कुछ नहीं खाऊंगी, सर ने बोला इसको नीम का चकवो दो पाउडर, मैम ने मुझे नीम का पाउडर दो, सर बोले दांत में घिस ले, और अरे इतना कड़वा, लेकिन ना उससे ये चीज करनी पड़ेगी, दांत एकदम क्लीन हो जाता है। पता है था बुरा, लेकिन ना कुछ भी खाओ सिर्फ इतना वाला वो हाथ से भी करने से ना वो सही हो गया था। और पता है क्या ना, जैसे सर ने मेरा सही किया, मैं ब्रश करने लगी तो मैं हाथ से मस्त ब्रश करूँ, सर आगे चला दे पागल, लेकिन तू अभी तो सही किया, इस हाथ से लगी पड़ी, नीचे कर इस हाथ को, ठीक है सर। देखो मैं तो मस्त सो रहा था तो मुझे तो पता नहीं क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं, खराटे मार रहा है इतनी जोर जोर से। तो अभी हम लोग जाएंगे जिम, बट ये रेस्ट करेगी आज, आज काम भी देखो थोड़ा सा अगर ठीक होता है तो काम करेगी, वरना आज काम नहीं करेगी, कर ही नहीं सकती, बालों में रात को ऑयल डाल लिया, धुले नहीं, जब तक बाल नहीं धुलेंगे काम नहीं होगा। ओके यहाँ तो ज्यादा था ना पहले तेरा शोल्डर, मतलब एक तो यहाँ नहीं और एक पीछे नहीं हो रहा, हाँ धीरे 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 एकदम सुपर कर दो तो सर है ना तेरे को मारेंगे, मुझे हैरी पॉटर धीरे 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 बस बस नीचे करते हैं, यहाँ पर पेन हो रहा है, इतना पहुंच पा रहा है, मतलब ये कि यहाँ पर अभी वो हल्की सी बेचैनी जैसी जो होती है, पीछे नहीं हो रहा होगा, पीछे पीछे नहीं हो रहा, पीछे नहीं हो रहा, मत कर, ऐसे हाथ रख के रखी मैंने, इसके उतर गया कंधा, उतर गया क्या हो गया, ऐसे वो फ्रैक्चर हो जाता है, ऐसे करके सुबह से ऐसे करके बैठी है, मुझे डर लगता है तो बहुत हॉरिबल दर्द था, जिम क्यों जा रहा है मेरे, उसी जिम में लगी है ना उसी की वजह से दर्द, इसीलिए तो वहां जा रहा हूं, बड़ा खुश हो रहा हूं मैं आज। अरे यार ठीक है, जा जा जा, यू फीलिंग बेटर, या या ओके, मौज हो रही तुम्हारी आज है, आज यार मेरे को थोड़ी कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसा लेजी डे जा रहा है, कुछ कर लेती ज्यादा, तो भाई ऐसे लेटे रहोगे तो लेजी डे जाएगा ना, कुछ कर तो क्या करूं कहां जाऊं, देख वो जो फ्रिज है ना वो थोड़ा सा गंदा था तो उसको साफ कर सकती है, अब बस ये बच गया मेरी, अभी थोड़ी हो रहा है इसमें पेन, अरे अभी पेन तो नहीं हो रहा पर वैसे नहीं, वो हल्की सी तो वो रहती है, ऐसे मूवमेंट करने पर पेन हो रहा है, मूवमेंट करने पर तो होता ही, लेकिन वो हल्की सी बेचैनी सी जो रहती है ना, मतलब ऐसे एक मुक्का मारे तो सही हो सकता है, पिटेगी क्या तू, रुक जा मुक्का इसको मारना। अभिषेक चला गया घर, उसका पार्सल आया, गोप्रो आ गया उसका, तो वो पार्सल लेने गया है, दो दिन से पता है क्या कर रहा है, वो पार्सल स्कूटी पर रखवा देता है, वो एक्चुअली क्या उसकी मम्मी गई हुई है गाँव और पापा फैक्ट्री चले जाते हैं उसके, और वो घर पे कोई भी नहीं रहता है, तो पार्सल वाले जब भी आता है तब वो बोल देता है भैया बाहर स्कूटी पर रख जाओ, मतलब क्या ट्रस्ट है, आज भी रखवा गया है गोप्रो वहाँ स्कूटी पर रखवा दिया उसने, 25-30 हज़ार का आइटम स्कूटी पे, स्कूटी 12 हज़ार की है, और फिर मेरे को पता क्या बोला यार रिस्क तो बहुत है, मैंने कहा ऐसे रिस्क क्यों ले रहा है, फिर फटाफट भाग के गया पार्सल लेने के लिए, देखो वैक्सीन लगवा के आई है और आते ही सो गई, लाइन बहुत लंबी थी, इसको कॉल करके पूछा कि कहाँ, सुबह गई थी 11 बजे समथिंग और सीधा शाम को 6 बजे यहाँ पर आई है, तो इसने बताया कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए बेचारी काफ़ी लेट हो गया, शाम हो गई आते आते, आते ही पहले इसको पिज़्ज़ा खिलाया हमने, उसके बाद ये सो गई, और अभी हमारे साथ क्या चोटू, अभी बारिश आ रही है बहुत तेज़, हम लोगों ने बड़ा मन बनाया, मैंने अभी ऐसी तो रेस्ट कर रही थी, तो मैंने कहा चलो काम कर लेते हैं थोड़ा सा, मैं गया नीचे, हम लोगों ने अच्छे से रेडी हुए दोनों के दोनों, नीचे गए फोटो खिंचाते कार के साथ, वीडियो बनाते हैं अच्छा सा,
बाहर गए, नीचे पहुंचे, कैमरा चालू करा, बड़ बारिश आ गई, हल्की सी धूप भी आ रही, हल्की सी बारिश, इट्स लुकिंग प्रीटी, इट्स सो आई लव यू प्रीति, कल आए अपनी बिटिया से मिलने के लिए, बिटिया के हाल चाल पूछने के लिए, कैसे है तेरा दर्द, चालू अभी मत जाना जिम, मैंने कब बोला, अरे तू बोल रही थी, मैंने भी सुना था, अभी जब तक ये सही नहीं हो जाए तब तक मत जाना, और एक बेटा सीधी सोइयो, पता चला सुबह 4 बजे आप नहीं उठूंगा, पता चला रात भर जगा रही है, मैंने अंकल की तरफ कैमरा लिया ना, इसका पेट ज्यादा दिख रहा था, और इसको मैं मना करता हूँ, ये फालतू चीजें मत खाया कर, फिर भी खाता है ये, अरे यार क्या कर रहा है यार, जानू यार तू, जानू सही है, तेरे बोलते ही मैंने भी खींच लिया भैया, देखो आपका भी हैप्पी के हो रहा है, बिल्कुल सांड जैसा, तो क्या दे दूंगा, दिक्कत है इसमें, दिक्कत मेरे को नहीं है, दिक्कत होगी जो तेरे आसपास लोग होंगे, इतना बड़ा पेट लेके घूम रहा है यार, मैं क्या करूं, मोटा हो गया, हैप्पी के बदबू फैलाता है कि तू इधर दिखा, हम अंकल आम लेकर आए, अरे वो तो वो यार वो आए थे पराग जी, वो लेके क्या बोलते हैं अंकल इसको, कौन सा आम बोलते हैं, तोतापुरी, तोतापुरी ये दशहरी है, तोतापुरी तोतापुरी दशहरी का चूसने वाला होता है, लंगड़ा है, नहीं हाफ फूस है, हाफ फूस है, एक ही पैर है इसका टुकड़ा सा, ये सफेद है, सफेद नहीं तोतापुरी अंकल, अरे सारे बोल दो सकते हो, अरे हाफ फूस है, या तो हाफ फूस है या तो क्या, दोनों में से एक है गाइस, अगर आपको इस आम का नाम पता है तो प्लीज बता दो, एक खो गया है, इसके परिवार के पास पहुंचाना है, अपने सही जगह पहुंच गई है, ये सारा झूठा साफ कर फिर और दो, इसके अंदर इसको डाल दो, बिल्कुल इसमें कल मैंने मकड़ी देगी, फिर करंट आ रहा है, ये हो गया, चार्जर लगा, चार्जर लगा, ये बात को पैसे लगा रहा हूं, ये रिंग लाइट चार्ज कर, ले उधर चल के एसी चला दे 2 मिनट, हमारा बहुत खर्च आ रहा है, एसी जो है ना वो हल्का भी है, ये वाला हल्का है, इसमें कम से कम होना चाहिए 250 कर रही है ना, ये कितने का है, 1.5 टन, 1.5 टन, 1 टन है ना, इसमें कम से कम 2.5 टन होना चाहिए, हां सच में इतना तो होना चाहिए, उस टाइम बजट नहीं था अंकल हमारे पास, उस टाइम बजट नहीं था, उस टाइम तो गरीब थे हम बहुत, ये है आज का हमारा खाना, राजमा चावल, राजमा चावल, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है, आज मम्मी से पता नहीं गलती से नमक हल्का सा ज्यादा हो गया है, तो हम उसको थोड़े से राजमा ज्यादा डाल दिया उसको थोड़ा सा खाने की कोशिश कर रहे हैं, हर्ष को डाइट कोक मिल गई तो वो तो चलो संभाल लेगा, मेरे को अपन क्या करें, मैंने तो और ज्यादा नमक डाल लिया उसका क्या, उस पता मेरे को ने क्या किया, एक तो ऑलरेडी तेज नमक था, ऊपर से और नमक डाल रही, तो पहले चखा तो कर, और नींबू, अरे राम बेवकूफ लड़की, देखा एक बार टेस्ट करा ना, टेस्ट करती हूँ इसके राजमा, अरे भाई क्या कर लिया ये, अच्छा एक बात बताऊँ, अच्छे नहीं इसके थोड़े से बेटर लग रहे, पता नहीं क्यों लग रहे पर बेटर लग रहे, क्रीम आई है मेरी वाली लाई, हाँ वेरी गुड, देखा अरे यार ये तो मेरी फेवरेट, बताओ गाइस रात को इसकी इच्छाएं पूरी करी जा रही है, बताओ लाओ दो, अगर मैं बोल देता ना मुझे कुछ चाहिए तो मुझे घर से भी बाहर भेज देते, आखिरी इच्छा तो पूरी होनी चाहिए ना, ये चिया की मेरी नहीं है भाई, इससे तो उठा नहीं जा रहा था अभी, ओ मेरी आइसक्रीम, अभी तो बड़ी ठाकुर गया, मैंने मुझे दो तीन बार दिए, अरे भाई ये पता क्या करता है, कौन लेता है और नीचे से खा जाता है, अरे बस थोड़ा सा खाऊंगा, हां ताकि ना सबकी ऐसी ऐसी होती है, सूरज टेस्ट कर, तभी खा ले मैं बताता हूं, चलो गाइस आज के व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, मिलते हैं कल, बाय बाय।